जिले में चार अलग अलग थानों की पुलिस ने मंगलवार को अवैध बजरी खनन व परिवहन माफियाओं के विरुद्ध कार्रवाई की है, जिसमें बजरी परिवहन में लिप्त बजरी से भरे 5 ट्रैक्टर ट्रॉली व 1 लोडर को जब्त किया है। साथ ही आहोर व रामसीन में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर पुलिस ने 5 मामले दर्ज किए हैं। जालौर के विशनगढ़ थाना अधिकारी पन्नालाल ने बताया कि जवाई नदी क्षेत्र में अवैध बजरी खनन व अवैध बजरी भरते एक लोडर व आधा बजरी से भरा ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच में जुटी है। इसी प्रकार सायला पुलिस ने रामेश्वर लाल भाटी के नेतृत्व में गठित टीम ने नाकाबंदी के दौरान सरहद देता कल्ला में खनन रॉयल्टी नहीं होने पर अवैध खनन कर परिवहन करने पर एक ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया है। आहोर थानाधिकारी राम प्रताप सिंह के नेतृत्व में गठित टीम ने सरहद चांदराई में बजरी परिवहन करते समय 2 वाहनों ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया है। साथ ही चालक वलदरा निवासी थाना राम पुत्र कपूरा राम को गिरफ्तार किया और प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान जारी है। रामासीन थानाधिकारी कमल किशोर के नेतृत्व में गठित टीम ने चोरी छुपे अवैध तरीके से बजरी परिवहन करते समय एक ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त करने के साथ ही आरोपी भीनमाल के खानपुरा निवासी पांचा राम पुत्र लच्छा राम भील को गिरफ्तार किया और प्रकरण दर्ज कर किया। राजस्थान सरकार व पुलिस मुख्यालय जयपुर द्वारा अवैध खनन निर्गम व भंडारण के विरुद्ध कार्यवाही एवं रोकथाम के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत SP ज्ञानचंद्र यादव के निर्देशानुसार में SP रामेश्वर लाल के सुपरविजन में चलाए जा रहे अभियान के तहत अवैध बजरी खनन व परिवहन करने पर कार्रवाई की जा रही है। जालौर से संवाददाता प्रताप चौधरी की रिपोर्ट।